हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बहुत ज़्यादा ज़रूरी पॉइंट पर बात करने वाला हूं कि कोई भी ऑर्डर मान लीजिए आपने रेस्टोरेंट से पिक किया और पिक करने के बाद वो कैंसिल हो जाता है कस्टमर के थ्रू या किसी भी कारण से, तो उस केस में आपको क्या करना है। आपको मालूम ही है कि देखिए, दिन पे दिन जो है स्विगी के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं। एक तो ऑर्डर नहीं है, और अगर थोड़ी बहुत कमाई होती भी है तो कंपनी कोई ना कोई कारण देके आपका पैसा काट लेती है। तो इन सब से कैसे बचना है, आपको मालूम ही है कि बरसात है, कभी मोबाइल में प्रॉब्लम आ जाती है, साइकिल में, बाइक में कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है। तो इन सारी प्रॉब्लम का आपको सोल्यूशन इस वीडियो में मिलने वाला है। तो प्लीज़ इस वीडियो को आप पूरा वॉच करना है। वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नहीं हो दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करके रखना है। उसका देखिए पूरा क्या प्रोसेस है, उस प्रोसेस को आपको सीखना है, समझना है, और फिर आपको काम करना है। कोई भी अगर आपका क्वेश्चन होता है तो मुझे कमेंट करना है। तो देखिए दोस्तों, जब भी कोई ऑर्डर आपकी आईडी पर कैंसिल होगा कस्टमर के थ्रू या किसी भी कारण से जो कि आपकी तरफ से नहीं है, या तो कंपनी की तरफ से होगा या कस्टमर की तरफ से होगा, वो ऑर्डर कैंसिल होता है तो इस तरीके का आपके सामने एक ये मैसेज आ जाएगा, रिटर्न द ऑर्डर बैक टू द रेस्टोरेंट। यानी कि जो ऑर्डर आपने रेस्टोरेंट से पिक किया है उस ऑर्डर को आपको रेस्टोरेंट पर वापस करना है। उसका प्रोसेस आपको इस तरीके से फॉलो करना है। और साथ में देखिए दोस्तों, ये भी लिखा हुआ आएगा कि उस ऑर्डर को वापस करने का आपको पैसा मिलेगा जब आप उस ऑर्डर को वापस कर देंगे रेस्टोरेंट पर सिंपली। तो देखिए दोस्तों, अब आपको क्या करना है, नीचे जो आपको कन्फर्म रिटर्न टू ऑर्डर्स, इस पर आप क्लिक करेंगे और ये ऑप्शन आपके सामने जब आएगा, जब आप नीचे वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे ओके पे क्लिक कर देंगे, और क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा, कन्फर्म रिटर्न टू ऑर्डर, इस पर आप क्लिक करेंगे जहाँ पर ग्रीन बना हुआ है। अब क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा, यानी कि आपने जिस रेस्टोरेंट से होटल से ऑर्डर पिक किया था उसका नाम आ जाएगा, और नाम आने के बाद अब आगे जहां एरो बना हुआ है उस एरो को फॉलो करते हुए आपको मालूम ही है कि आपको उस रेस्टोरेंट पर कैसे पहुंचना है। तो रेस्टोरेंट पर आप पहुंचेंगे, पहुंचने के बाद जब आप रेस्टोरेंट पर पहुंच जाएंगे तो आप सिंपली जो है रेस्टोरेंट से जिससे आपने ऑर्डर लिया था उसको बोलेंगे कि भाई ये ऑर्डर कैंसिल हो गया है और आप मुझे इसका OTP बता दीजिए। जब आप इतना उसको मालूम करेंगे तो वो आपसे उस ऑर्डर की ID मालूम करेगा, ऑर्डर कि आईडी मालूम करेगा और आपसे ऑर्डर लेगा, ऑर्डर को प्रॉपर तरीके से चेक करेगा कहीं कोई डैमेज तो नहीं है। डैमेज पूरी तरीके से चेक करने के बाद, आईडी चेक करने के बाद वो आपको OTP बता देगा, और OTP बताने के बाद उस OTP को आपको अपने मोबाइल फोन में डालना है। जैसे ही आप उस OTP को अपने मोबाइल फोन में डालते हैं तो आपके सामने जो है उस ऑर्डर की जितनी अर्निंग होगी वो अर्निंग आपके सामने आ जाएगी, यानी कि उस ऑर्डर को वापस करने में कंपनी जितना पैसा आपको देगी वो आपकी आईडी पे शो करने लगेगा तब जब आपका OTP डलने के बाद प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। और दोस्तों, जैसे मान लीजिए आप रेस्टोरेंट पर आए, रेस्टोरेंट पर मान लीजिए भीड़ बहुत ज़्यादा है या रेस्टोरेंट बंद हो गया है या बहुत ऐसी प्रॉब्लम है कि आपकी समझ में नहीं आ रहा है मैं इसको कैसे वापस करूं, तो आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना है। तो सिंपली वही एक ही हल होता है स्विगी में कि कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हेल्प में जाना है, और हेल्प में जाने के बाद आपको लाइव हेल्प आ जाएगी उस ऑर्डर के रिगार्डिंग, और आप कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि रेस्टोरेंट इज क्लोज, रेस्टोरेंट नॉट एक्सेप्ट ऑर्डर्स, या थर्ड ऑप्शन इसमें अनेबल टू मार्क रिटर्न कंप्लेंट। यानी कोई भी इशू आता है तो उस इशू के रिगार्डिंग हम कोई भी कंप्लेंट रेज करेंगे और सीधा आप स्विगी कस्टमर केयर से डायरेक्ट जुड़ जाएंगे, जो भी प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को आप बताएंगे और आपकी प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हो जाएगी। तो दोस्तों, बस आज की वीडियो में इतना ही बताना था। अगर आपका कोई क्वेश्चन रहा हो, सवाल हो, समझ में ना आया तो कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल पर नहीं हो दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करना भाई के चैनल को, जिससे आगे भी आपकी इसी तरीके से हेल्प हो सके। तो आज की वीडियो में इतना ही, टेक केयर।